भाई सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे के एडिशन में आप सबका स्वागत है। आप सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अरे बहुत बढ़िया, एक दिन की छुट्टी के बाद एक तो आपका स्वागत है और फेस्टिविटीज के बीच में आप सबको बधाई आज भाई दूज की। और बढ़िया ग्लोबल समीकरण है। दो दिन के क्यूज डाइजेस्ट करने थे, मंडे को जैसा डाइजेस्ट किया था उसका एक शेड बेहतर ही था। कंसोलिडेशन का दिन था, कह लीजिए यूएस में, और उसके बाद कल एक पावरफुल रैली का दिन था। ऑलमोस्ट 500 पॉइंट डाउ उछला, ऑलमोस्ट 2-2% तक बेंचमार्क्स में उछाल था, क्योंकि वहां के इन्फ्लेशन नंबर्स ने खासा कंफर्ट दे दिया। और वो रीजन है कि आज एशिया झूम रहा है और गिफ्ट निफ्टी गांधीनगर संकेत दे रहा है 225 पॉइंट का एक बढ़िया आज उछाल, एक गैप अप होगा। अब गैप अप के बाद की तस्वीर करेगी वो अलग कहानी, लेकिन एक बढ़िया सेशन की एटलीस्ट तैयारी कर रहे हैं। लाइए पिच, लाइए स्टेडियम, लाइए ग्राउंड, सब कुछ दिखाइए प्लीज क्विकली, और दिखाइए किस तरह का मूड माहौल बन रहा है आज का। तो उसकी पिच की डिटेल सामने आ जाएंगी। ये अगर वानखेड़े टाइप पिच है तो शुरू में बैटिंग अच्छी और बाद में बॉलर्स परेशान करते हैं, तो ये अभी तो दिख रही है बैटिंग अच्छी। आज मैच वानखेड़े में ही है, ऐसा तो नहीं है गैप अप के बाद सेकेंड हाफ। कहानी क्या आज की बाजार की? नहीं नहीं, आज कहानी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जिस तरीके के मौसम और पिच बना के दी गई है, अगर इस पर भी आप बल्लेबाजी ना कर पाओ तो फिर मुश्किल है। तो इसलिए क्यूज़ के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छा है। इंटरनेशनल क्यूज़ में कोई शिकायत नहीं, ज़बरदस्त है, मतलब सब कुछ। इन्फ्लेशन भी कम, बॉन्ड यील्ड नीचे, डॉलर वीक, क्रूड स्टेबल है, बहुत बड़ी तेज़ी वहाँ बन रही है और गिफ्ट निफ्टी दिखा रही। तो इंटरनेशनल क्यूज को देखते हुए पिच बहुत अच्छी है। डोमेस्टिक फ्रंट पर मुझे लगता है कि ऐसी कोई बड़ी चिंता नहीं है, एक ही चिंता है वो चुनाव ना वाली, देखेंगे उसमें क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है कि आज का दिन बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वानखेड़े में इतिहास बनेगा आज, देखिएगा। बढ़िया दिन है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने पता है शुरुआत कैसे करी है, मैंने वो दो स्टॉक्स लिए जो मैंने मंडे को भी शुरुआत में लिए थे। तब ये कहते हुए कि आज नए संबत के पहला है तो ये बताना चाहता हूँ कौन से स्टॉक्स रडार पर रखिएगा। तब वो शुरू कर रहे थे HDFC बैंक और इन्फोसिस थे, आज दोनों को फिर से मेंशन कर रहा हूँ। भाई आज उस दिन तो संबत के लिहाज से रिस्क रिवॉर्ड वाले फेवरेबल स्टॉक्स जो अच्छी हिस्ट्री रखते हैं और जिन पर अभी भी शायद स्ट्रीट का भरोसा बना रहे, इसीलिए मेंशन कर रहा था। आज क्योंकि ग्लोबल संकेत बहुत बढ़िया हो रहे हैं, समीकरण बहुत बढ़िया हो रहे हैं, इसीलिए आज वो कल तो संबत के लिए था, आज के सेशन के लिए हाथ से रखिए HDFC बैंक को रडार पे। ग्लोबल संकेत वाकई बहुत अच्छे हैं हर पैमाने पर, चाहे वो इन्फ्लेशन का नंबर उनका हो, चाहे वो उनके वो दोनों पार्टीज में सहमति हो बजट को लेकर, उस बिल को पास करने को लेकर। इवन जापान के अगर कंसर्न हो, जापान की इकॉनमी इतनी पस्त पड़ गई है कि वहाँ पे वो थोड़ा सा वो डर जो लग रहा था अभी, वो एटलीस्ट वो आंकड़े देख के लग रहा है, GDP के नंबर्स देख के, वो डर अभी नहीं है, वो इकॉनमी वाकई काफी दिक्कत में आ गई है। तो सारे समीकरण ऐसे हैं कि आज ये पावरफुल कमबैक कर सकते हैं स्टॉक्स, इसीलिए HDFC बैंक और लाइकवाइज इसीलिए इन्फोसिस को मेंशन कर रहा हूं। अब इसमें इनके पेरिफेरल सारे स्टॉक्स पीयर सेट शायद अच्छा करें, पर क्योंकि मंडे को मेंशन कर रहे थे इसीलिए इनको रिपीट कर रहा हूं। अदरवाइज वो TCS भी हो सकता है, कोई HCLTech भी हो सकता है, जो सेक्टोरली शायद अच्छा मूव देखें इसीलिए। उसके बाद तीसरा स्टॉक जो है वो PTC इंडस्ट्रीज है। ये वो ऐसे, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, PTC इंडस्ट्रीज अलग कंपनी है, बाकी सरकारी कंपनियां वो अलग है, PTC इंडिया के नाम से और ये सब है ना। PTC इंडस्ट्री दरअसल एक प्राइवेट कंपनी, लखनऊ बेस्ड एक कंपनी है, पब्लिक लिस्टेड। इसने फ्रेंच ग्लोबल एक एरो इंजन डिजाइन डेवलप और मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है साफरान एयरक्राफ्ट इंजन्स, उनके साथ एक मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है। इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन होगा उनके लीप इंजन्स के कास्टिंग पार्ट्स PTC इंडस्ट्रीज बनाएगा। ये टाइटेनियम कास्टिंग पार्ट्स होंगे जो सैफरान के एयरक्राफ्ट इंजन्स में लगाए जाएंगे और इसकी शेड्यूल्ड डिलीवरी अर्ली 2024 से शुरू हो जाएगी। सैफरान जो प्लेयर है ना, वो असल में ग्लोबल प्रेजेंस रखता है, 80,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, 19 बिलियन यूरो से ज्यादा के उसके सेल्स है, 2022 की बात कर रहा हूं। तो बढ़िया एक करार हुआ, इसीलिए PTC इंडस्ट्रीज को मेंशन कर रहा हूं। आमतौर पर रडार पे नहीं आती, लेकिन इस करार के चलते ग्रीन रख दिया, तीन हो गए। NRB बियरिंग्स रिजल्ट आए और
280 करोड़ का रेवेन्यू ने दिखाया और मुनाफा डबल हो गया, लगभग 25 करोड़ का प्रॉफिट है। पिछले क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करेंगे तो 19 से बढ़ के 25, और साल दर साल करेंगे आप तो 13 से बढ़ के 25, नंबर काफ़ी अच्छे हैं और एबिटा लेवल भी बढ़िया है। मन्नापुरम फाइनेंस, ये परसों नंबर आए थे, नंबर बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, हालांकि उस पर मार्केट में थोड़ा सा रिएक्शन भी स्टॉक ने दिखाया था, लेकिन बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं, 200 रुपये तक के टारगेट इसमें रेस किए हैं मॉर्गन स्टैनली ने। तो इसमें क्या हुआ कि एक तो ओवरऑल नंबर बहुत अच्छे हैं, 2150 करोड़ का रेवेन्यू आया। सबसे इंटरेस्टिंग बात कि गोल्ड लोन का बिजनेस जहाँ मुथूत का ख़राब है वहाँ इनका अच्छा है, और प्लस इनकी जो एक सब्सिडरी है होम वाली उसने बहुत अच्छे नंबर्स पेश किए, उनकी एसेट क्वालिटी स्टडी और सुधर रही है, PPOP नंबर काफ़ी बढ़िया, आशीर्वाद जिसका IPO लेके भी आ रहे हैं, ये तो नंबर बहुत अच्छे हैं, इसलिए इसको यहाँ पे रख सकते हैं। तीसरा स्टॉक है नारायण हृदयालय, इसके नंबर भी बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, हॉस्पिटल कंपनीज के नंबर बढ़िया आ रहे हैं, रेवेन्यू 1300 करोड़ दिखाया इन्होंने, 200 करोड़ बढ़ के आया, और मुनाफा 227 करोड़ का है, काफ़ी इंप्रूवमेंट नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, ऑपरेशनली नंबर अच्छे हैं, पर बेड जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं उसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो ये तीसरा स्टॉक है नारायण हृदयालय, नतीजों के आधार पर इसको भी ग्रीन रख सकते हैं। बढ़िया है। अगला जो है खबर एक और इंटरेस्टिंग, जैसे PTC इंडस्ट्रीज खबर इंटरेस्टिंग थी, वैसी GMM फॉडलर की, जो अब प्रमोटर्स हैं पटेल फैमिली, वो फॉडलर इंक से, जिस विदेशी कंपनी से डोमेस्टिक प्रमोटर्स ने, फॉरेन प्रमोटर्स से पूरा स्टेक एक्वायर कर लिया था, मतलब प्रमोटर बन गए थे इसके इकलौते, अब वो और एडिशनल 1% स्टेक फॉडलर इंक से एक्वायर करेंगे इस कंपनी का, यानी 1% मतलब हो गया वो आपकी स्क्रीन पे 4.19 नहीं, मेरे ख्याल से 4.49 लाख शेयर्स हैं, वो जो भी है 4 लाख प्लस शेयर्स एक्वायर करेंगे 1700 रुपये के भाव पे। मंडे की क्लोज थी 1670-1680 के आसपास की, तो अच्छी खबर है, प्रमोटर्स का भरोसा बढ़ ही रहा है, फॉरेन प्रमोटर्स और स्टेक एक्वायर कर रहे हैं, और अच्छी बात की मौजूदा भाव से स्लाइड प्रीमियम पर एक्वायर कर रहे हैं। मुझे लगता है ग्रीन रखना है। और इसी कड़ी में तीसरा स्टॉक जो मैंने रखा है, सॉरी इस कड़ी में तो दूसरा होगा, PVR को सिर्फ इसलिए मेंशन कर रहा हूं, अब कोई भी रीजन हो, Tiger 3 गजब कर गई है। संडे के कलेक्शंस थे दिवाली के दिन 48 करोड़ के, मंडे के कलेक्शन उसके ऊपर आ गए 58 करोड़ के, दो दिनों में ही सेंचुरी लगा दी है, 100 करोड़ से ऊपर का धंधा कर डाला था, कल का अपडेट अभी देख के डाल दूंगा मैं, कल भी क्योंकि छुट्टी थी तो आई एम अज्यूमिंग कल भी तगड़े कलेक्शन होंगे, लेकिन टाइगर ये निकल चुकी है मूवी, और प्लस इसने 6 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स माइसन आइनॉक्स एट जियो वर्ल्ड सेंटर में खोल दिया है, 4 स्क्रीन का और मल्टीप्लेक्स खोल रहे हैं उड़ीसा में, तो खबरें अपनी जगह, मैं तो खैर Tiger 3 की रेजिंग सक्सेस उस पर रिव्यू आएगा, गावा सर जुड़ेंगे अगले शो में, निपटा चुके हैं वो लूंगा, पर PVR को ग्रीन रख देता हूं। तीसरा कल्याण ज्वेलर्स को, ये ज्वेलरी स्टॉक्स गजब कर रहे हैं, Q2 में साल दर साल इंडिया परफॉर्मेंस, असल में इसका इंडिया और मिडिल ईस्ट का धंधा, इंडिया परफॉर्मेंस 32% का रेवेन्यू में जंप साल दर साल, और ये तब जब हम सब कह रहे हैं, मतलब कंपनीज अपने अपडेट्स में कह रही थी, आपको याद होगा टाइटन की फेस्टिव सीजन अगला क्वार्टर हो गया था, पिछले क्वार्टर से कंपेरेबल नहीं है, फेस्टिव सीजन और मैरिज सीजन अब आएगा, तो उस पर्सपेक्टिव में 32% का जंप, ग्रॉस प्रॉफिट 23% का उछाल, EBITDA 20% इंप्रूव होता हुआ, मुनाफे में 32% का जंप, मैं पूरा इंडिया परफॉर्मेंस कंसोलिडेट तो आपकी स्क्रीन पे चल ही रहा है, इसीलिए मैंने कहा इंडिया परफॉर्मेंस हाईलाइट कर देता हूं, अच्छे नंबर हैं इसके अभी भी, और ये स्टॉक अच्छे रेट भी हो रहे हैं, देखते हैं आज कितना दमखम दिखा पाएंगे, ग्रीन रख दिया, 6 हो गए। इसके नंबर भी आए थे ना दिवाली में, कितना टन सोना बिका समथिंग लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे, अच्छा पता नहीं इसके नहीं मतलब पूरे ओवरऑल बहुत सोना बिका है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत ज़बरदस्त सोना बिका है। खैर चलिए, चौथा स्टॉक है मेरा ग्रासिम इंडस्ट्रीज, और ऑपरेशनली नंबर वीक है, और उस वो नंबर वीक इसलिए क्योंकि जो केमिकल वाला बिजनेस है उसमें प्रॉब्लम थी, लेकिन जो विस्कोस वाला फाइबर है जिसकी ये नंबर वन कंपनी है, बहुत ही शानदार नंबर है उसके, उस नंबर को अगर आप देखेंगे तो बढ़िया होगा, केमिकल बिजनेस में थोड़ी सी दिक्कत है। दूसरा आप इनके नंबर इसलिए भी आपको थोड़े कमज़ोर दिखेंगे क्योंकि जो पेंट वाली 5-6 फैक्ट्रियाँ इनकी तैयार हो रही हैं मार्च तक, उसमें जो खर्चा हुआ उसकी वजह से भी आपको नंबर थोड़े से कमज़ोर देंगे, क्योंकि कैपेक्स बहुत हैवी इन्होंने किया, 12,000 करोड़ कैपेक्स अलाउंस किया है, तो मेरे को लगता है कि इसको ग्रीन में रखना चाहिए, नंबर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं अगर आप इसके कोर बिजनेस पर अभी भी जाएंगे तो।
पांचवा स्टॉक है श्रीराम प्रॉपर्टीज, ये भी साउथ वाली रियल एस्टेट कंपनी है। परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे, सेल्स वॉल्यूम 48% बढ़ा है, करीब 11 लाख स्क्वायर फीट इन्होंने बेचा है और कलेक्शन 37% इनका बढ़ गया और वैल्यू में 40% की राइज है, यानी कुछ तो प्राइस हाइक भी इन्होंने उनको लगता लिया। श्रीराम प्रॉपर्टीज भी ग्रीन में रखी है। छठवा स्टॉक है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक में खबर छपी थी, कल मैं पढ़ रहा था, कि ये अपने कुछ एनपीए बेचने वाले हैं जिसमें क्रेडिट कार्ड का भी होगा और अदरवाइज़ भी, और उसके लिए ये जल्दी बिड मंगवाने वाले हैं और साथ ही साथ उन्होंने अपने नंबर भी काफ़ी इम्प्रूव किए। एनपीए इनका 0.78% रह गया है सेकेंड क्वार्टर में, जो कि सितंबर से पहले 1% के आसपास था, तो काफ़ी अच्छे नंबर दिखा रहे हैं। उसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का इंटरेस्ट है, तो स्टॉक में देखिए क्या 245 के आसपास ट्रेड करा है, तो इसको भी ग्रीन में रख सकते हैं। 6 हो गए, छोटा सा एक ब्रेक, ब्रेक के बाद अगले चार चार स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और सातवां स्टॉक महिंद्रा महिंद्रा, इसमें इसलिए क्या, क्योंकि खबर छपी हुई है कि तमाम जो गाड़ी कंपनियां हैं, खास तौर पे महंगी वाली गाड़ियां, यूटिलिटी व्हीकल्स वगैरह, इसमें और ओवरऑल की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहेगी। इस बार नंबर बीट हो जाएंगे, 40 लाख से ज़्यादा नंबर निकल सकता है। एस्ट्रा डी एम नंबर इसके काफ़ी बढ़िया, रेवन्यू में 18% की ग्रोथ है, मार्जिन 12% के आसपास निकल गया है, 12 से ऊपर निकल गया है यादव। इंडिया रेवन्यू में 23% की ग्रोथ और बाहर के रेवेन्यू में 16% की ग्रोथ है। नाइन्थ स्टॉक ल्यूपिन है, HSBC की रिपोर्ट है, इन्होंने टारगेट 1101 से बढ़ा के 1205 कर दिया। उनका मानना है कि Q2 नंबर काफ़ी अच्छे थे और नई लॉन्चेस की वजह से आगे भी फायदा होगा। 10वां स्टॉक है USL, इसमें भी UBS की रिपोर्ट आई है, टारगेट उन्होंने 1200 से बढ़ा के 1265 किया है। नंबर कोई खास नहीं थे इसके लिए, इसलिए स्टॉक ने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन इनका मानना है कि नंबर इन लाइन थे और आगे ग्रोथ हो सकती है, तो इसको देख सकते हैं। बढ़िया। अच्छा, अगले चार स्टॉक्स में एक तो RVNL कंसोलिडेट कर रहा है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल गया इनको, एक 311 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से। IDFC को मेंशन करता हूं क्योंकि वो मर्जर होना है IDFC फर्स्ट बैंक के साथ। उस कड़ी में एक और इंपॉर्टेंट, पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA की हामी आ चुकी है उस मर्जर को रिलेटेड। DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज के नंबर्स स्ट्रांग है, 526 करोड़ से आय बढ़कर 573 करोड़ रुपीज, मेरे ख्याल से फ्लैट था मुनाफा, 1 करोड़ का भी नहीं था, बढ़ के 20 करोड़ रुपए के आसपास। ऑपरेशनली भी परफॉर्मेंस अच्छा था, इसीलिए ग्रीन। और ISGEC हैवी इंजीनियरिंग, सॉलिड नंबर्स है, ऑपरेशनली बहुत स्ट्रांग, नतीजा आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। प्लस स्वेलिंग ऑर्डर बुक 8600 करोड़ रुपए से प्लस की इस समय आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक का अपडेट है इस छमाही के एंड। अच्छे नंबर्स, ग्रीन रख दिया इसको भी। क्विकली छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप। के प्रायोजक हैं।